शादी का सीजन है, शॉपिंग भी करनी है और कोरोना का भी डर है। ऐसे में आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिग ब्लिस है आपके साथ। अभी डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप और सिर्फ 10 मिनट में पाए अपना सारा सामान। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, स्वागत आप सभी का बाजारों के सितारे में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाटी और बाजारों के सितारे में आप सभी के लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं यहां पर कम्युनिटी बाजार का अपडेट, शेयर बाजार का अपडेट और आज का राशिफल। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम यहां पर हमेशा की तरह ही आज के राशिफल से, और आज का राशिफल बताने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं बाजार के जाने माने एस्ट्रो मनी गुरु कर्नल अजय जी। कर्नल अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है मार्केट टाइम सीवी पर। शुभ प्रभात अखिलेश शादी जी एवं मार्केट टाइम्स के सभी दर्शक बंधुओं। मैं कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप, फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूँ। और ये शो अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप और मार्केट टाइम्स टीवी के संयुक्त प्रयासों से आप तक प्रसारित किया जा रहा है। आज के शो में राशियों के आधार पर आपका नफा नुकसान, एग्रो कमोडिटीज में होने वाली हलचल और शेयर बाजार और नॉन एग्रो कमोडिटीज में क्या संभावना। सबसे पहले राशियों के आधार पर आपका नफा नुकसान। दोस्तों, भारतीय ज्योतिष में 12 राशियों को 4 तत्वों में डिवाइड किया गया है, अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल। अग्नि तत्व की 3 राशियां 1, 5 और 9 यानी मेष, सिंह और धनु राशि मिश्रित रूप की तरह इशारा कर रही हैं। 3 से 4 बजे के बीच में आपको अतिरिक्त सावधानी रखनी चाहिए। 2, 6, 10 यानी वृषभ, कन्या और मकर राशि आपके लिए दिन संभवतः मुफीद ना रहे, परेशानियां बढ़ सकती है, आए हुए मुनाफा हाथ से निकल सकता है। विशेषकर 2 से 3 बजे के बीच में स्क्रीन छोड़ के कहीं मत जाइए, अपने निर्णय को एक बार पुनः जांच लें। 3, 7, 11 यानी मिथुन, तुला और कुंभ राशि, यह है वायु तत्व की राशियां मिश्रित रूप की तरफ इशारा कर रही है। 12 से 1 बजे के बीच में खतरा हो सकता है, सावधान रहिए। 4, 8, 12 यानी कर्क, वृश्चिक और मीन राशि, ये दिन आपके लिए आप शुभ और मंगलकारी रह सकता है, लाभ कमाने की स्थिति में रह सकते हैं, लेकिन 1 से 2 बजे के बीच में आपको अतिरिक्त सावधानी रखनी चाहिए। ये था राशियों के आधार पर आज का नफा नुकसान। जी अखिलेश जी। जी कर्नल अजय जी, तो ये तो हमने कर्नल अजय जी से जाना कि आज का राशिफल कैसा रह सकता है, किन राशियों में कितना लाभ मिल सकता है और किन राशियों को आज संभल के चलने की जरूरत है। यहाँ सब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कम्युनिटी बाजार की। कर्नल अजय जी, बात करें यहाँ पे अगर कम्युनिटी बाजार की और सबसे पहले कृषि फसलों की, तो ग्वार के ऊपर सबसे पहले आपसे बात करना चाहूंगा। ग्वार गम, ग्वार सीड में देख रहे हैं कि हमने ऊपरी स्तरों से एक मुनाफा वसूली आते हुए देखी, हल्की सी रिकवरी भी हुई, लेकिन जो कीमतें हैं फिर से वहां से डगमगाने लगी हैं। आपको क्या लगता है, क्या यहाँ से अभी ग्वार गम, ग्वार सीड में गिरावट जारी रहेगी या फिर निचले स्तरों से खरीदारी बन सकती है? एस्ट्रो फाइनेंस क्या कहता है? देखिए, गवार सीड की कुछ फंडामेंटल्स बहुत मजबूत है, उसमें कोई दो राय नहीं है कि इस साल प्रोडक्शन भी कम हुआ है और काफी हद तक अच्छी क्वालिटी का गवार भी बाजारों में उपलब्ध कम है, उसकी भी अवेलेबिलिटी कम है। लेकिन अभी युद्ध के हालात की जो है उसे ऑयल प्रोडक्शन के ऊपर और लगातार वर्ल्ड के अंदर बातचीत चल रही है, और अभी जो लेटेस्ट अपडेट भी आ रहा है कि अमेरिका रशिया को ऑयल यानी उनकी उसकी अर्थव्यवस्था पर लगातार प्रहार कर रहा है, चाहे वो स्विफ्ट के रूप में बंदिश लगा रहा है या रशियन बैंक की प्रॉपर्टी और उससे ट्रांजेक्शन बंद कर देना है, इस तरह से बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन जो लग रही हैं उससे रशिया को भी परेशानियां बहुत जबरदस्त देखने को और समझने को मिल रही है। और यदि ऑयल राजनीति एक बार शुरू हो गई, ऑयल पॉलिटिक्स, तो उसमें रशिया की अर्थव्यवस्था को एक बड़ा धक्का लगने की संभावना बनेगी। गौरतलब है कि रशिया जो है गैस और ऑयल उसकी रीढ़ की हड्डी मानी जाती है, और यदि जो अमेरिका यदि ईरानियन क्रूड को बाजारों में ले आता है और उसके ऊपर टैक्स हो जाता है, तो उसके अंदर एक ऑयल की कीमतों के ऊपर फर्क पड़ सकता है। गौरतलब है कि यदि आपको याद होगा कि कुछ सालों पहले सऊदी अरेबिया और अमेरिका का आपसी पैक था
इनडायरेक्टली, और उससे तो क्रूड ऑयल की प्राइसेस के अंदर जबरदस्त गिरावट सन 2018-19 में देखी गई थी, और इतनी बड़ी गिरावट जो थी वो ऐसी गिरावट थी जिससे रशिया को बहुत बड़ी परेशानियां रही थी, क्योंकि रशिया की मूलभूत जो इकोनॉमी है उस पर फर्क आया था। फिर बाद में पुतिन ने सऊदीया को या मिडिल ईस्ट की कंट्रियों को उन्होंने थ्रेट किया था कि आपको यदि आप नहीं माने तो हम आपको स्टोन एज पे पहुंचा देंगे, यानी आदम युग में पहुंचा देंगे, ये क्लियर धमकी थी। और उसके बाद आप देखिए कि कच्चे तेल के अंदर धीरे धीरे सुधार आता गया और आपको ये मल्टी ईयर हाई के रूप में क्रूड ऑयल चल रहा है। तो क्रूड ऑयल के ऊपर जो ये राजनीति चल रही है, ये आपको याद होगा हमारे शुरुआती शो के अंदर जब यूक्रेन की लड़ाई हुई थी, शुरू हुई थी यूक्रेन और रशिया के बीच में, उस वक्त भी कहा था कि अल्टीमेटली अमेरिका को रशिया को काबू करने के लिए उस ऑयल की प्राइसेस के अंदर कुछ कमी जब तक नहीं होगी रशिया की इकोनॉमी में वो नहीं धक्का लगेगा, क्योंकि यद्यपि रशिया जो है यूरोप को सबसे बड़ा गैस सप्लायर भी है, लगभग 40% से अधिक गैस जो है वो रशिया यूरोप को देता है, और यूरोप में यदि गैस संकट पैदा हो जाता है तो वहां पे एनर्जी संकट भी बड़ा जबरदस्त हो जाता है। तो ये सब इसलिए जरूरी मैं आपसे बात कर रहा हूँ क्योंकि गवार सीट की तेजी और मंदी का सीधा संबंध कच्चे तेल की तेजी मंदी से होता है। गौरतलब है कि कच्चे तेल ने पिछले लगभग 10 दिनों के अंदर ऐसी तेजी दिखाई है, एक तरफा तेजी दिखाई है, उसके बावजूद भी गवार सीट के भाव फ्लक्चुएशन में रहे और उसमें कोई बड़ा इजाफा नहीं देखने को मिला। ये एक निश्चित रूप से एक चिंता का विषय तो जरूर है, लेकिन इंटरडे के अंदर गवार सीट के अंदर कुछ कमजोरी बन सकती है, लेकिन जो लंबी अवधि के खिलाड़ी हैं, लंबी अवधि को सोचने के समझते हैं, क्योंकि गवार सीट के अंदर हमेशा कहा जाता है गवार सीट पैसा उसी को देगा जो धैर्य रखेगा, गवार चीट और गवार गम के अंदर वही व्यापारी कदम रखे जो धैर्य और अपना पैसा लगा के काम करना चाहते हैं, बाजार का पैसा लेके काम करना, अपनी क्षमताओं से 10 से 20 गुना काम करना, ये गवार चीट लोगों को थका देता है, और जब बंदा थक जाता है तभी उसके बाद गवार चीट अपने असली रंग दिखाता है। ये एक बहुत पुरानी कहावत है और इसको हमने पिछले लगातार 20 से 25 सालों से मेरा अनुभव रहा है गवार चीट के ऊपर कि गवार चीट थकाता है, और जो थक जाता है अब वो रास्ता छोड़ देता है, और जो लगातार बना रहता है वो अपना पैसा बनाता है। ये अखिलेश जी। जी कनलजे जी, इसी के साथ कनलजे जी बात करें अगर मसालों की, तो मसालों में भी देख रहे हैं कि गिरावट बनी है, अच्छे खासे लेवल से अब मसालों में गिरावट बनी है। खबरें हैं कि मंडियों में आवके की वजह से मसालों में गिरावट बन सकती है, और हम बनते हुए भी देख रहे हैं, आपकी क्या राय रहेगी, क्या मसालों में यहाँ से खरीदारी बन सकती है या फिर यहां से अभी और गिरावट रहेगी, स्ट्रेटेजी क्या रहेगी मसालों में? अब देखिए इंटरडे के अंदर कुछ मसाले ऐसे हैं जैसे कोरिंडर है या जीरा है, या इसके अंदर थोड़ी सी वोलेटिलिटी है, थोड़ी सी गिरावट आपको नजर आ सकती है इंटरडे ट्रेडर्स के लिए, तो इसमें थोड़ा सा बचना चाहिए। जो इंटरडे ट्रेडिंग करते हैं उनको थोड़ा सा बचना चाहिए, गिरावट हो सकती है, लेकिन इनके फंडामेंटल अच्छे हैं, और लेकिन ज्यादातर जो कारोबारी हैं जो एनसीडीएक्स पे काम करते हैं उनको बचना चाहिए ट्रेडिंग से। ये जी कनेर जी, बात करें अगर नॉन एग्री की, तो नॉन एग्री कम्युनिटीज में देख रहे हैं कि बेस मेटल्स काफी शानदार रैली के साथ ट्रेड करते नजर आ रहे हैं, कॉपर हो, निकल हो, जिंक हो, लेड हो, सभी बेस मेटल्स में शानदार बढ़त देखने को मिल रही है। आपको क्या लगता है बेस मेटल्स का बाजार आज और आने वाले भविष्य में कैसा रह सकता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बेस मेटल्स भी अब लगातार तेजी की ओर जाते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए बेस मेटल में आपको याद होगा कि मार्केट टाइम संभवतः है वो सबसे पहला चैनल था जिसमें बेस मेटल में हमने तेजी की बात कही थी, और पिछले सप्ताह भी कही थी कि हमें बेस मेटल जो है फेरस नॉन फेरस बहुत तेजी नजर आ रहे हैं, और एक सप्ताह में लगभग कॉपर ने 100 रुपए की बड़ी तेजी दिखाई थी जो कि अप्रत्याशित थी। और यदि निकल की बात करें तो निकल ने तो एक एक दिन के अंदर 10-15% की तेजी दिखाई थी, और ये खाली फेरस मतलब इसमें नॉन फेरस में नहीं है, फेरस मेटल्स के अंदर भी यही स्थिति आ रही है, और स्टील के अंदर भी लगातार बहुत बड़ी तेजी दर्ज हो रही है जिसका अनुमान आकलन हमने दिया था आपको। तो बेस मेटल के अंदर अभी भी मजबूती जारी रह सकती है, इसके अंदर थोड़ी
आज के इंटरडे के अंदर इसको बेचने से बचना चाहिए। जी अखिलेश जी। जी कर्नल जी, इसके साथ कर्नल जी बात करें अगर कच्चे तेल की, क्रूड ऑयल की, तो क्रूड ऑयल पे आपकी क्या राय रहेगी? $138 पर बैरल का तो हम हाई लगते हुए देख चुके हैं, अब आपको क्या लगता है? ये जो बाकी जानकार बता रहे हैं कि $150 तक भी जा सकता है, तो क्या ऐसी कुछ संभावना भी बन रही है एस्ट्रो फाइनेंस के मुताबिक? देखिए, जहां तक क्रूड ऑयल का सवाल है, इसने जबरदस्त तेजी दिखा दी है, इसमें कोई दोहराई नहीं है, कोई इसमें अतिशयोक्ति नहीं है, और ये तेजी बननी भी थी। लेकिन अब जो एक हफ्ता 10 दिन के हिसाब से कोई तेजी मंदी करना चाहता है, तो मुझे लगता है कि ये क्रूड ऑयल के अंदर जो 10-5 दिन की ट्रेडिंग के हिसाब से यदि कोई दिमाग लगा रहा है, तो मुझे लगता है कि उसको बचना चाहिए और ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली करना बेहतर रहेगा। ये मेरा मानना है, क्योंकि इन स्तर के ऊपर मैं क्रूड ऑयल खरीदने की सलाह बिल्कुल नहीं दूंगा, क्योंकि यदि ईरानियन क्रूड ऑयल आ जाता है बाजार में, और तो उसमें उसकी उससे काफी फर्क पड़ेगा। और मुझे लगता है कि देखिए, ये मैं चाहता हूं कि ये यदि दर्शक ध्यान से सुन रहे हो तो ये एक ऐतिहासिक हो कि कच्चे तेल में अब अमेरिका रशिया पे प्रहार करने के लिए कच्चे तेलों के अंदर कमी लाने की भरपूर कोशिश करेगा, जिससे उसकी इकोनॉमी खराब हो, टूटे। और यदि ऐसा होना शुरू हो जाता है तो रशिया को एक बहुत बड़ी परेशानी का सबब देखने को मिलेगा, और हो सकता है इससे क्रूड ऑयल की तेजी से बाकी आम ग्लोबल इकोनॉमी को राहत मिले, क्योंकि यदि अमेरिका का ये प्रयास सफल होगा तो मुझे लगता है कि अब हमें तैयार हो जाना चाहिए। जी, इसके साथ कर्नल जी देख रहे हैं कि गोल्ड भी इंटरनेशनल स्पॉट मार्केट में $2,000 का लेवल टच कर चुका है, आपको क्या लगता है क्या इसका असर घरेलू वादा पर भी देखने को मिलेंगे? और क्या जो हमने लॉकडाउन के दौरान 56,000 के ऊपर का गोल्ड में हाई लगते हुए देखा था, तो क्या उसके टूटने की भी संभावना अब कुछ बनती नजर आ रही है? देखिए, नोटबंदी के समय बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी बनी थी कि एक ही दिन के अंदर सब कुछ हो गया था जी, क्योंकि जिसके पास करेंसी, जिसके पास रुपी था, उनको उसके पास सोर्स नहीं था डिक्लेयर का, उसने गोल्ड में खरीदारी करने की गई। लेकिन वो एक हाइपोथेटिक रेट थे जो एक बिल्कुल छोटी अवधि में आ गए थे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो गोल्ड जो है वो $2,000 के जो स्तर है वो, और अभी लगता है कि मुझे गोल्ड के अंदर तेजी आज भी रहने की संभावनाएं बन सकती हैं, बुलियन में भी आज तेजी की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। जी, इसके साथ कन्नर जी बात करें यहाँ से अगर स्टॉक मार्केट की, तो स्टॉक मार्केट में क्या लगता है, क्या स्टॉक मार्केट में भी रशिया वॉर का इम्पैक्ट तेजी की ओर देखने को मिल पाएगा कभी, और किन स्टॉक्स में कितनी मंदी तेजी देखने को मिल सकती है? देखिए, स्टॉक मार्केट के अंदर बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर कुछ समस्या हो सकती है, ऑटोमोबाइल स्टॉक्स में कुछ समस्या हो सकती है, ये इंडेक्स जो है ये खराब, ये कमजोरी दिखा सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर कुछ परेशानियां हो सकती हैं, और इसकी गिरावट की संभावनाएं बन रही हैं। लेकिन मेटल स्टॉक्स के अंदर मुझे तेजी नजर आ रही, विशेषकर जो टाटा स्टील है, जिंदल स्टील है, इसके अलावा ऑयल एंड गैस स्टॉक्स के अंदर ONGC जैसे स्टॉक्स है, इनके अंदर अच्छी तेजी की संभावना बनेगी, क्योंकि कमोडिटी बेस्ड स्टॉक्स हैं और इसके अंदर इसका प्रभाव देखने को भी मिलता है। लेकिन बैंकिंग स्टॉक्स को जो इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं उनको बचना चाहिए, एक महत्वपूर्ण बात। दूसरी बात, यदि कोई निवेश करना चाहता है, HDFC बैंक और ICICI बैंक जो लगभग एक साल पुराने स्तर के ऊपर अभी देखे गए हैं, और 12-13% से अधिक इसमें गिरावट दर्ज हो गई है, और इसके अंदर जो डिलीवरी ली जा रही है वो 50% से अधिक है, तो इसका मतलब यही है, ये दोनों बैंक है जिसके अंदर सबसे ज्यादा जो होल्डिंग है वो DIs और FIs की है, यानी घरेलू संस्थागत निवेशक और विदेशी संस्थागत निवेशक, जनता के पास 10-15% की ही होल्डिंग है दोनों बैंकिंग स्टॉक्स के सबसे बड़े स्टॉक्स में। तो कुल मिला के ये है कि यदि FIs ने लगातार पिछले 3-4 महीने से पैसा निकालना शुरू किया है, और उसके मुकाबले DIs यानी घरेलू संस्थागत निवेशक उसको उतनी मात्रा में बाइंग नहीं कर पाए, और यही वजह है कि 10-15% में इन स्टॉक्स में गिरावट दर्ज हो गई। अब लेकिन इन स्टॉक्स के ऊपर जो भी यदि निवेश करना चाहता है, जो जो ऐसे व्यक्ति जो FD से ज्यादा रिटर्न चाहते हैं,
एक साल के अंदर, उसको उनके लिए खरीदने का एक अच्छा मौका है, क्योंकि आपने ओरिजिनल वैल्यूएशन से हाई से 10 से 12-15% नीचे है, तो ये भाव ऐसे हैं कि यदि कोई 6-8 महीने साल भर के लिए रखना चाहता है तो इसके लिए सुनहरा अवसर है। लेकिन उन्हीं लोगों के लिए जो वास्तव में निवेशक हैं, जो स्पेकुलेटर हैं, जॉबर हैं या इंटरडे ट्रेडर्स हैं, उनको इसमें ट्रेड करने से बचना चाहिए। ये क्लियर जी। तो आज कुछ ऐसा रह सकता है आपका शेयर बाजार, कम्युनिटी बाजार और आपका राशिफल। बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल अजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल बाजार के बारे में अभी के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। फ्रेश दूध और सब्जी के लिए अब घंटों इंतजार नहीं, बिग ब्लिस पर ऑर्डर करें और 10 मिनट में पाएं अपने घर फ्रेश दूध और सब्जी। तुरंत डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप, खुशियों की अपनी दुकान।